वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। बात हो रही है आज चक्कर क्यों आते हैं। बड़े गंभीर मसाइल हैं। आप सोचें कि अचानक आपके सामने जो है छत और दीवारें घूमना शुरू हो जाएं, क्या होगा? परेशान हो जाएगा इंसान। और ये बहुत सारे लोगों के साथ अचानक शुरू हो जाता है, उनको पहले से कुछ भी नहीं पता होता। और बहुत सारी वजूहात हैं जिसको हम वर्टिगो कहते हैं या वर्टिगो कहते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ENT सर्जरी डॉक्टर खालिद नहीदा साहब, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। और मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं सुल्ताना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। अच्छा, मैं टीवी से बहुत दूर चले गई। चलें, ये तो बहुत अच्छा काम किया जनाब जी। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है चक्कर आने की। जब मैं रात को सोने के लिए लेटती हूँ ना, तकिया पर जैसे ही सरकती हूँ और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। नींद आती नहीं, फिर मैं बैठ जाती हूँ तो चक्कर ठीक हो जाते हैं। ओके ओके। और मैं एडमिशन वो मेडिसिन भी लेती हूँ सिमेटल, उससे चक्कर थोड़ी देर ठीक हो जाते हैं और फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं, यानी सो नहीं सकती हूँ। कितने अरसे से है आपको ये प्रॉब्लम? ये बहुत अरसे से है। बहुत अरसे से? किसी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। आपने किसी एंटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनसे मुआयना करवाया? नहीं, किसी को दिखाया तो था, वो कहते हैं ये स्टीमेटल इस्तेमाल करो ये। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी सुल्ताना साहिबा? 40। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप सुल्ताना साहिबा से? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा आम सा मसला है इनका, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि आपको मैंने वैसे ही बताया था कि कौम जो है उसको इतने लोगों ने इतने चक्कर दिए हैं कि हम चक्करों के आदि हो गए हैं। तो चक्करबाजियाँ बहुत हैं, इसीलिए कॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं ना। और ये वो चक्कर हैं जिनको जाहिर बात है मेडिकल प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद जमान साहब जनाब, कैसे मिजाज हैं? हेलो अहमद जमान साहब। जी सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है सर। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी। हुक्म सर। आखिरी जो 20 मिनट छुटे हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, तो मेरे एक सजेशन ये है कि वो उनको दिए जाए सर, कॉल्स नहीं लिए जाए। कॉल्स? कॉल्स नहीं लिए। आखिरी जो 20 मिनट प्रोग्राम के होते हैं कि जो दूर दूर से डॉक्टर्स आते हैं जी जी, जवाब भी सुन सकते हैं और सही ये रिसर्च भी है उनकी सर। ठीक है। और सवाल सर मेरा ये है कि क्या ये जो आज का टॉपिक के हिसाब से बताई जो है, ये क्या स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम के बीमारी की वजह से भी कोई वाइटाइगो हो सकता है? और कुछ जंक्स की वजह, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, इनकी वजह से ऐसी दवाइयां हैं जिनसे हो सकता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज मैं कॉल की आपको बता दूं, ये बात आपकी बात सही है कि कॉल हम ना, लेकिन यकीन कीजिए हमारे पास लिमिटेड लाइंस हैं और कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं, जिनकी मिल जाती हैं और जिनकी नहीं मिल रही होती हैं उनकी तशनगी हमेशा रहती है, अक्सर जो है नाराज़ भी हो जाते हैं। और हमारा मसला क्या है, हम हैं ऑनलाइन क्लिनिक, हम बैठे ही हैं कि जितने लोगों को जवाब मिल जाए वो हमारा मकसद ही होता है। और जितने डॉक्टर्स हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कॉलर्स हमारे लिए और आप हमारे लिए, कॉलर कौन है? आप हैं, हमारे सर आँखों पे आप हैं। तो ये प्रोग्राम है, अगर आप नहीं होंगे, ना देखेंगे ना कहेंगे, तो शायद इस प्रोग्राम का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये बताइए, मिसेस जो फुरखान थी उनका प्रॉब्लम जो है, आपने सर्वाइकल आपने कहा कि इनको लग रहा है कि वर्टिगो है जी जी। अब मसले का हल क्या है इनका? मसले का हल ये है कि वो एक तो वो दिखा दें ENT को या ऑर्थोपेडिक को, वो कुछ ना कुछ एक्सरे, प्लेन एक्सरे या MRI जो गर्दन का हो वो एडवाइस करेंगे। अगर मामूली नौयत का मसला हुआ, यानी कि जैसे डिस्क स्लिप हो जाना, डीजनरेट हो जाना, अगर वो इतना सीवियर नहीं है तो इसका इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है। अच्छा, उनको घबराहट भी बहुत हो रही थी? वो होती है चक्कर में, चूँकि ये वेगस नर्व एक कहलाती है, वो वाहिद नर्व है जो लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है और वो हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम या बैलेंस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। वो हमारे दिल को भी सप्लाई कर रही है, लंग्स को भी, जो आखिर में जो साहब ने सवाल किया स्टमक प्रॉब्लम, तो स्टमक में भी वो सप्लाई करती है। उसकी डिस्टरबेंस की वजह से, और जो हमारी पहली कॉलर थी जिन्होंने कहा कि उनके बच्चे के कान में वैक्स है जी, उससे भी चक्कर आते हैं। तो ये कान से ले के पूरा हमारा सिस्टम वो एक नर्व के ऊपर डिपेंड करता है जिसके कनेक्शन है हमारे वेस्टिबुलर या बैलेंस सिस्टम से। तो किसी एक साइड पर भी डिसबैलेंस होना
तो उससे चक्कर यानी आते हैं। अहमद जमान साहब के सवाल का जवाब भी हो गया कि मैदे के अमराज हाँ से भी चक्कर आ सकते आते हैं। जैसे चक्कर के दौरान बाज़ लोगों को मतली सा एहसास होता है या बाकायदा वॉमिटिंग भी होती है, उल्टियाँ भी होती हैं, ये वेगस नर्व की वजह से होती है। अच्छा चलें, एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अरे असगर अली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जनाब। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम डॉक्टर साहब को भी सलाम पेश करता हूं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और मोहतरम डॉक्टर साहब से ये भी पूछ दें हमें कि चक्कर जो है ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, टेंशन, जी का मतलाना, यानी अगर आप ये कह लें कि जिगर की खराबी की वजह से भी हो सकते हैं, के साथ साथ क्या मेरा ये समझना दुरुस्त है कि समाज का बैलेंस ना हो सही सुनने का, कान के किसी वजह के तहत भी चक्कर आते हैं? जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप खुश रहे। और डॉक्टर साहब प्रोग्राम के बाद आज आप मुझे फोन जरूर करेंगे। चलें, मैं चाहूंगा मुझे आपसे काम है। असगर अली साहब का नंबर जो है पीसीआर में मैंने दे दिया, दे दिया है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ये बताइए, पहले सुल्ताना साहिबा के सवाल पे मैं आता हूँ। ये इनका मसला नहीं है, ये बहुत आम सा मसला है कि बिस्तर पे लेटे जी जी करवट ली, चक्कर आना शुरू। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये क्या मसला है? हाँ, ये इसको कहते हैं बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इसका। अच्छा, इस लंबे चौड़े नाम का जो है तफसीलात आपसे जानेंगे और मिसेस शकील साहिबा के सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त हुआ है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।